श्रीमती अनिता बदेल, श्री मदन दिलावर, श्री अशोक लाहौटी, राजस्थान कारागार विधेयक 2023। सभापति महोदय, साढ़े चार साल के बाद जाती हुई सरकार जो इमरजेंसी में हो, वेंटिलेटर पे हो, ऑक्सीजन पे हो, वो जाती हुई सरकार अब जेल सुधारों की चिंता कर रही है, तो ये राजस्थान की जनता को एक सीधा सीधा संदेश है कि साढ़े चार साल से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, वो सरकार जाते हुए अब अपने लिए जेलों की व्यवस्था ठीक करना चाहती है ताकि आगे आने वाले दिन उनके ठीक कटे। सभापति महोदय, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि साढ़े चार साल के बाद सरकार को अचानक याद आती है कि राजस्थान कारागार बिल विधेयक लाया जाए, और विधेयक जब ला रहे हैं, जब विधेयक का आज हम जुलाई में लास्ट में बैठे हैं, अगस्त एक महीना है, सितंबर 15 से लगभग आचार संहिता लग जाती है, राज्यपाल के यहाँ बिल जाकर ये बिल में गजट नोटिफिकेशन भी इन बिलों का नहीं हो पाएगा, और इस प्रकार की बिलों की बाट लाकर सदन का समय जाया करना, मैं समझता हूँ राजस्थान के 8 करोड़ जनता का जो पैसा है उसको ही राजस्थान की सरकार बर्बाद करने में लगी हुई है। सभापति महोदय, और जब बिल लेकर आए तो इस बिल में कितना वित्तीय प्रावधान सरकार ने किया है वो बताए। क्या जेल सुधार केवल इन कागज के चार पन्नों पे होना है? क्या जेलों का, कारागारों का सुधार केवल यहाँ पर बिल लाने से होना है? आज स्थिति क्या है राजस्थान में? कैदियों के पास ना वहाँ टॉयलेट है, ना पीने का शुद्ध पानी है, ना शुद्ध हवा है, ना उनके पास कोई जेल मैनुअल्स प्रॉपर बना हुआ है, ना उनके पास कोई काम है उनके पास। आज राजस्थान में जिस प्रकार से कैदियों की जो दुर्दशा है उसको यदि जाकर देखे एक बार सरकार, तो सरकार के पास यदि सरकार के मंत्री जाकर देखते तो शायद इस बिलों में कुछ वो इनकॉर्पोरेट कर लेकर आते। सभापति महोदय, बिना वित्तीय प्रावधानों के इस प्रकार के बिल लाना, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में एक जयपुर की खुली जेल बनी हुई है, उस खुली जेल की यदि अंदर नहीं भी जाओ तो आप कभी आते जाते वहाँ पर आपके जो मकान है सभापति महोदय, उससे थोड़ा सा ही आगे पुलिया से दिखता है, उस पुलिया पर खड़े होकर आप लेफ्ट साइड में कभी देखना कि उस खुली जेल की स्थिति क्या है। छोटे छोटे टीन टप्पर बने हुए हैं जिनमें आदमी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इस प्रकार की हालात में वो खुली जेल है। मैंने इसी सदन में प्रस्ताव लगवाया कि इस सदन जेल का जितना पैसा इस जगह का है वो बहुत प्राइम लोकेशन होगी, सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन भी है और सरकार ने उसको विचाराधीन कर भी रखा है कि इस जेल की जो खुली जेल है उसमें 25 बीघा जमीन है, वो आज जयपुर के सेंट्रल में आ गई है, उस जमीन को ऑक्शन किया जाए या उस जमीन पर सांगानेर हाट बनाया जाए, और 300 साल पुराना जो सांगानेर का जो कपड़े का व्यवसाय है, जो प्रिंटिंग यूनिट्स है, उनको वहाँ पर दिया जाए, उससे हजारों करोड़ रुपए जेल की आय होगी, उससे आप कई जेलों का सुधार कर पाओगे, और इस जेल को जयपुर से बाहर आप बनाए जाए, वहाँ पर जयपुर के मिनी सेक्रेटरेट बनाकर जयपुर शहर के सांगानेर तहसील की उप तहसील, रजिस्ट्रार कार्यालय, सांगानेर कोर्ट, सारी चीज़ें वहाँ पर एक साथ लाई जा सकती है। वहाँ बिरला ऑडिटोरियम जैसा ऑडिटोरियम है, थिएटर है, मल्टी, और ये धारीवाल जी के ध्यान में क्यों नहीं आया, मैं तो यही सोच रहा हूँ, इतनी बेसकीमती जमीन और आपके ध्यान से कैसे रह गई? ये तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हजारों करोड़ रुपए की इतनी बेसकीमती जमीन और यूडीएस मंत्री जी के ध्यान से कैसे रह गई। इसका सही उपयोग होता तो इस जमीन का भी डेवलपमेंट होता, आपको हजारों करोड़ रुपए मिलते, सांगानेर कस्बे का भी विकास होता, वो सैटेलाइट हॉस्पिटल जो घोषणा की हुए 3.5 साल हो गए वो कागजों में भी नहीं बनी, वो इसमें बन सकती थी, मिनी सेक्रेटरेट बन सकता था, पूरा उसका होता, तो ये जेल सुधार में आपका ये काम आता। मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के बिल लाकर जो मैंने शुरुआत में कही कि ये स्पष्ट रूप से है कि जाती हुई सरकार के वो लोग जो भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं, जिनका जेल जाना तय है, वो अपने लिए जेल सुधार की व्यवस्था करने के लिए ये ख्वाब देख रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से हम जेलों को ठीक कर लेंगे और उनके दिन ठीक से कट जाएंगे, तो मैं आपके माध्यम से उनको ये चेता रहा हूँ कि कोई गलतफहमी नहीं रखे, इन कागज के पन्नों से कोई जेल ठीक नहीं होने वाली, उसके लिए बजट का प्रावधान करें, इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजें। धन्यवाद। थैंक यू।